हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक तड़का विद रीना। और आज हम बनाने जा रहे हैं हम सब की फेवरेट काजू कतली, और वो भी बिल्कुल आसानी से। फ्रेंड, बाज़ार में ये तो इतनी महंगी मिलती हैं और बिल्कुल मिक्सिंग वाली मिलती हैं, तो आज हम घर में एकदम प्योर काजू कतली बनाएंगे, वो भी आसानी से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैजिक तड़का विद रीना को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और हाँ फ्रेंड, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप एकदम बढ़िया वाले काजू लिए हैं, 1 कप दूध का लिया है और 1 चम्मच देसी घी का लिया है। काजू को अच्छे से साफ़ कर दें, अगर आपके गंदे काजू हैं तो उनको अच्छे से साफ़ करके उनको इस तरह से तैयार कर लें। और फिर एक जार में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें इनको चर्न करना है मिक्सी में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मिक्सी को नहीं घुमाना है, नहीं तो काजू अपना तेल छोड़ देंगे और फिर हमारी काजू कतली नहीं बनेगी। अब ये देखिए, इस तरह से इसको छान लें और जो मोटे मोटे दाने होंगे ना इसके, उसको अलग करके एक फाइन पाउडर बना लें, और जो दाने बचे उनको किसी भी ग्रेवी में काजू उसको पीस के आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चाशनी बना रही हूँ। देखिए, चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है और 1 कप पानी लिया है, जितनी चीनी उतना पानी। अभी देखिए, मैंने गैस को ऑन करके अब सबसे पहले सिम में रखना है इसको और अपनी चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। देखिए मेरी चीनी कितनी साफ़ है, बस इसी तरह की चीनी आपने यूज़ करनी है। और जैसे चीनी मेल्ट हो जाए, काजू का पाउडर धीरे धीरे करके इसमें मिलाते जाएं। और बिल्कुल ध्यान रहे कि गैस हमारी इस टाइम सिम है। ये स्टेप करने से ना जो लम्ब्स आते हैं ना वो बिल्कुल नहीं आएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से और कितना बढ़िया इसका पेस्ट बन गया है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं है। अगर आप एकदम बिना हिलाते हुए डालेंगे ना तो उसमें दाने आ जाते हैं, पर देखिए मेरे इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं हैं। अब इसको हमें सिर्फ पकाते जाना है सिम आँच पे। ये देखिए, अभी धीरे धीरे ऐसे आप पकाएंगे ना तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस इसी तरह से इसे घुमाते रहिए, बस चलाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जैसे थोड़ा थिक हो जाए इसमें 1 चम्मच घी का डाल दें, ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो आपके काजू में ना सिर्फ घी का ही फ्लेवर आएगा, काजू का नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से घी को डालिएगा। तो देखिए फ्रेंड, किस तरह से मेरा जो ये पेस्ट है वो गिर रहा है और थिक हो गया है, बस इसी तरह का हमें चाहिए। और हम क्या करेंगे, एक स्पून से लेकर इसको चेक करते हैं। ये मैंने ले लिया, जैसे ये ठंडा हो इसको इस तरह से उंगली पे लगाएं, और अगर इस तरह से गोली तैयार हो रही है ना बिना चिपचिपाहट के, तो समझिए आपका पेस्ट तैयार है। जल्दी से गैस को कर दें बंद और इसको हिलाते हुए ठंडा करें ताकि ओवर कुक ना हो। और एक थाली को घी से पहले ग्रीस कर लें और उसके बाद इस पेस्ट को उसमें डालें और किसी भी स्पैटुला की मदद से इसको हिलाते हुए ठंडा करें ताकि ये ओवर कुक ना हो। अभी देखिए थोड़ा चिपचिप लग रहा है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें क्योंकि ठंडा होते ही ये एकदम गाढ़ा होता जाएगा। अब जैसे ही ये गुनगुना हो ना हाथ से टच करने लायक, तो एक प्लास्टिक ले लें, मैंने तो प्लास्टिक लिया है, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और फटाफट ये देखिए ठंडा हो गया, कितना ये आटे की तरह हो गया है ना। अब फ्रेंड, हाथों से इसको फैलाते जाएं और इसको शेप देते जाएं। और मैंने यहाँ पॉलीथिन को इसके ऊपर रखा है और इसको अपने बेलन से बिल्कुल हल्के आँच से आपको इसको प्रेस करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। और अब ये देखिए मेरा जो शेप है गोल, वो तैयार है। अब मैं इसमें अपना चांदी का वर्क जो होता है ना वो लगाऊंगी इसको गार्निश करने के लिए, ताकि ये दिखने में भी अच्छी हो और बिल्कुल मार्केट वाला इसका लुक हो। ये आपको आसानी से किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएगा, आसानी से अवेलेबल होता है फ्रेंड मार्केट में, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, बस इसको ला के इस तरह से लगाएं। और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसको हम आधा घंटे तक ठंडा होने देंगे और आधे घंटे बाद इसके साइड्स को हम ट्रिम कर लेंगे। यहाँ मैंने स्केल इसलिए लिया है ताकि जो मेरी काजू कतली है बिल्कुल परफेक्ट डायमंड शेप में आए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया मेरी बर्फ़ी जो है तैयार हो गई है, आप देख रहे हैं दानेदार एकदम स्मूथ मेरी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है, मार्केट से भी टेस्टी होती है फ्रेंड, तो ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखिए मैंने 1.5 इंच के निशान लगा के अपनी डायमंड शेप में मैं इनको काट रही हूँ, क्योंकि 1.5 इंच का साइज़ बहुत ही परफेक्ट होता है मार्केट जैसा बर्फियों के लिए। तो ये देखिए मैंने इसको काट लिया है, देखिए तैयार हो गई ना मेरी टेस्टी काजू कतली, ये देख रहे हैं आ रहा है ना देखने में मज़ा, हमें तो खाने में भी बहुत मज़ा आया इसको, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैं प्लेट में रख लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ इसके टिप्स जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं इनको बनाते हुए। पहली टिप ये है कि इसकी क्वांटिटी, तो अगर आपने 2 कप काजू लिए हैं तो उसमें 1 कप चीनी लीजिए, और चाशनी बनाने के लिए उसमें 1 कप ही पानी लीजिए। सेकेंड टिप ये है कि आपको इसमें को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, जब आप पेस्ट को कुक करेंगे तो उसको ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो वो बर्फ़ी का शेप नहीं ले पाएंगे। तीसरी टिप है कि
कि आपको मिक्सी में जब इसको पीसेंगे तो इसको चर्न करना है, ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो काजू जो है वो ऑयल छोड़ देंगे तो वो कुछ भी नहीं बनेगा फिर तो आपका। और चौथी टिप है कि आपको इसको सिर्फ आधे घंटे तक ही ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं करना। और आधा घंटा ठंडा करने के बाद तुरंत इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। और पांचवी और लास्ट टिप है इसकी सही शेप देना। हाँ जी फ्रेंड, कटिंग एकदम परफेक्ट कीजिएगा ताकि ये दिखने में भी अच्छी लगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।